Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very very great. You all are at your home and you all are safe. So before proceeding, मैं आपको बता दूँ क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इन द टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ चैप्टर 11 मार्केटिंग. तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्लास लेके आई हूँ जिसमें हम सिर्फ तीन चीजें पढ़ेंगे, डाटा, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेज. बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माइसेल्फ. Myself Abhilasha Bareja, your business studies educator at An Academy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post graduation MBA finance as a major and marketing as a minor from IBM College. I have also done BEd from MDU. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organizational management, human resource management and business communication for graduation and post graduation students. Also, I take up a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. Right now, I am associated with two of the very known academies that are Power of Commerce Academy and Sai Tutorials. Whenever you will going to purchase any of the subscription of your choice, please don't forget to use my referral code, that is BREJ10. Because with that referral code, you can get a discount of 10%. So in today's class, we'll be studying product, chapter 11, marketing, aapka favorite chapter ka, favorite topic product. Jis mein hum teen cheeje, branding, labeling, or packaging ko aaj hum cover. Topics covered will be branding, labeling, and packaging. Telegram ke baare mein aap sabne suna hoga. Telegram mein aapke favorite channel, Commerce 365 ka group hai. अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास है और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या करवाया जाने वाला है, ताकि आप कंफर्टेबली क्लास को ज्वाइन कर लें और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. तो आज फटाफट से जाएंगे और अपने फेवरेट चैनल कॉमर्स 365 को ज्वाइन. हमारा लेटेस्ट ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, यानी कि 31 अक्टूबर तक के लिए, जहां पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं इधर प्लस और आइकॉनिक, और अगर आप पहले 500 में काउंट किए जाते हैं देन यू आर एलिजिबल टू गेट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें प्लस या आइकॉनिक में से और आपको आना है पहले 500, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ संडे यानी कि 31 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है एंड फॉर दी CBSE क्लासेस 6 to 12. तो फटाफट से जाएंगे और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे. एज डिस्कस्ड, हम आज पढ़ेंगे अपने फेवरेट टॉपिक्स ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग. बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको ये बता दूं, आप सबको पता होगा कि हमारे इसमें बात करते हैं हम 4 P's की. ये 4 P's में क्या क्या आता है? सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, फिर आता है प्राइस, फिर होता है प्लेस और लास्ट होता है प्रमोशन. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जो एक कस्टमर परचेज करने को रेडी रहता है. कब? जब उसकी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होती है. हर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जो वो एक्चुअली में डेस्परेटली ढूंढ रहा होता है, और जब उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो क्या होता है, उसकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाती है. तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो फिजिकली हमें दिखता है और जब वो हमें मिल जाता है हम उसको खरीद लेते हैं. विद दैट, हम जब खरीदते हैं हम उसके लिए कोई भी वैल्यू देने के लिए रेडी होते हैं. बिकॉज, क्योंकि उस प्रोडक्ट के परचेज करने से या जब वो प्रोडक्ट फिजिकली हमारे हाथ में आ जाता है उसके साथ हमारी सारी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो जाती है. तो प्रोडक्ट में हम अपनी कंसिडर करते हैं तीन चीजें. तो तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले ब्रांडिंग, फिर होता है लेबलिंग, और थर्ड होता है हमारा. ये तीन चीजें हम अपनी कवर करते हैं किसमें? प्रोडक्ट. दूसरा होता है प्राइस. प्राइस एक ऐसा चीज होता है, अगर हम इसको बोले तो मतलब पैसा, पैसा बोले तो मनी. मनी मतलब ये कोई भी पे करने के लिए रेडी है. कब? जब उसको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिससे उसकी नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाए. वो प्रोडक्ट जब उसको मिल जाता है तब वो खुश हो जाएगा, और जब वो खुश हो जाएगा तो उसके लिए वो कोई भी मनी पे करने के लिए रेडी है. एज यू ऑल नो, फ्री में तो हमारा कुछ भी नहीं आता. तो जब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा या जब भी हम कोई ऐसी चीज परचेज करेंगे जिससे हमारी नीड्स वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके लिए कस्टमर को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना जरूरी है.
प्रोडक्ट और प्राइस यानी कि इन दोनों में होता है इनवर्स रिलेशन। जब हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। आप सबने इको में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से दीपिका मैम ने आपको पढ़ाया। तो व्हाट डिमांड लॉ ऑफ डिमांड सेज, जैसे ही हमारे किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? हम एक चीज के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और वो चीज होती है अवेलेबिलिटी एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है तो हर कोई उसको परचेज नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट लेते हुए हमें हर चीज का प्राइस के ऊपर करना जरूरी। थर्ड आता है प्लेस। प्लेस मतलब जगह। सबसे पहले तो हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह पे लेके जाना है यानी कि उसके लिए एक टारगेट मार्केट को सेट करना जरूरी। सबसे पहले तो ये हमें सेट करना इसलिए जरूरी है, अगर प्रोडक्ट कहीं भी भेज दें, कहीं पर भी भेज देंगे, क्या वो बिक सकता है? नहीं। सबसे पहले हमें सेट करना जरूरी है कि उसको कहाँ कहाँ पे बेचना जरूरी। साथ ही हम फोकस करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर। चैनल्स बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज है। हम यूज करते हैं अपने दो चैनल्स, एक होते हैं लॉन्ग चैनल्स, एक होते हैं शॉर्ट चैनल्स। लॉन्ग चैनल्स वो होते हैं जहां पे हम मीडिएटर्स को इन्वॉल्व करते हैं। मीडिएटर्स बोले तो मिडलमैन। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हाई है, और शॉर्ट चैनल हम यूज तब करते हैं जब हमारा कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लो। एग्जाम्पल, हमारे सबके घरों में टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी ऐसी चीजें जो रोजमर्रा में हमारे घर में यूज होती ही होती हैं। तो इन सब चीजों में कंपटीशन बहुत ज्यादा। अगर आज हम एक बात करें पेस्ट की, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, दंत क्रांति है और मिसवाक है, बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें अपने अपने पर्टिकुलर ब्रांड की या अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरमीडियरी। हमें हायर करने पड़ते हैं इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज हमारी सेल को प्रमोट कर। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट चैनल। शॉर्ट चैनल वो होते हैं हमारे जहाँ पे हमारा कंपटीशन बहुत कम होता है, जैसे कि गोल्ड। अब हर कोई एक सिंगल टाइम पे रोज गोल्ड कोई भी नहीं, तो ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है। यहाँ हम प्रेफर करते हैं अपने शॉर्ट चैनल। हम कभी भी अपने मीडिएटर्स को नहीं हायर करेंगे टू सेल द गोल्ड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी कॉस्टली चीज है, और अगर हम उसमें और मिडलमैन को हायर करते हैं तो वो और ज्यादा कॉस्टली हो। फोर्थ होता है प्रमोशन। अब प्रोडक्ट बन गया, कंज्यूमर भी रेडी है, जगह भी हमने डिसाइड कर ली, अब भाई लोगों को कैसे पता चले? तो प्रमोशन होता है कि अपनी प्रोडक्ट की सेल को कैसे बढ़ाया। तो प्रमोशन हमारी चार चीजों के ऊपर किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा होता है हमारा सेल्स प्रमोशन, तीसरा होता है हमारा पब्लिक रिलेशन, और फोर्थ होता है हमारा पर्सनल एडवर्टाइजिंग होती है जो एक टाइम पर हमारी चार जगह पे पहुंचती है, चार ही मतलब लाखों जगह पे पहुंचती है, ठीक है। हम एडवर्टाइज कराते हैं टीवी पे, बैनर्स लगवाएंगे, या हम रेडियोस पे, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज कराते हैं। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो एक टाइम पे लाखों लाखों हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन, जब हम नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं, जैसे कि लकी ड्रॉ कूपन्स, स्क्रैच कूपन्स, या 0% EMI ऑप्शन, डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ये सब चीजें लेके आते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट, 10% डिस्काउंट, इस तरीके। पर्सनल सेलिंग होता है जब हम डोर टू डोर जाके सेल करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेट होता है, क्योंकि इसे इस चीज में हम ज्यादातर तो एरिया कवर नहीं कर सकते, हम बहुत लिमिटेड एरिया ही कवर अप कर सकते। और क्योंकि एक पर्सन जब डोर टू डोर जाएगा तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। और लास्ट होता है हमारा पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या कहता है कि हमें अपनी कंपनी की या हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मीडिया के आगे इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारे लोग जाने, कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सब पहचाने, कि हमारे प्रोडक्ट की अच्छी इमेज बने, हमारे ब्रांड की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी गुडविल मार्केट में मेंटेन। हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर इवॉल्व करता है इन चारों चीजों के ऊपर। इन चारों चीजें बोले तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, यानी कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फिर क्या चीज होगी जो एक कंज्यूमर खरीद लेगा,
कब जब उसको चाहिए होगी, कब जब उसकी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होंगी, और उसके लिए वो कोई भी अपना पैसे देने को तैयार। जब उसको वो फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है तो उसके तीन तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहला होता है फंक्शनल बेनिफिट, जिसके लिए वो खरीद रहा होता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है, और सोशल बेनिफिट जो सोसाइटी में उसके लिए जरूरी है। तो प्रोडक्ट में हम अपनी क्या क्या तीन चीजें लेते हैं, हम अपनी लेते हैं तीन चीजें, वो क्या होती है, सबसे पहले होता है ब्रांडिंग, फिर होता है हमारा लेबलिंग, और फिर होता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब कि एक ब्रांड। अब आप सबको पता है आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन इज टोटली ब्रांड कॉन्शियस। हर कोई जो है यहाँ पे, हर कोई ब्रांड कॉन्शियस। तो जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ब्रांड नेम। नेम का मतलब क्या होता है, नाम, जैसे कि हम उस नाम को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ऑडी, जैसे कि BMW, जैसे कि मर्सिडीज, जैसे कि एप्पल, जैसे कि सैमसंग, जो हम मुंह से प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा होता है ब्रांड मार्क। मार्क का मतलब होता है साइन। अब हमें दूर से भी अगर ये वाला साइन दिखता है तो हमें पता लग जाता है कि क्या है ये। अगर हमें ये साइन दिखता है तो हमें पता लग जाता है ये क्या है, नाइकी। हमें किसी को बताने की, किसी को एक्सप्रेस करने की, किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, दूर से हमें साइन दिखता है, वी गेट टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ ब्रांड इट इज। थर्ड होता है हमारा ब्रांड मार्क, यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो कि होता है छोटा सा टीएम। क्या बोलते हैं, आ प्रोडक्ट इज लीगली प्रोटेक्टेड, कि हमारे प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिल चुकी है, इट इज सेफ टू कंज्यूम। अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे तो इसके कंज्यूम होने से हमारे के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रोडक्ट यूज के लिए सेफ है, लीगली प्रोटेक्टेड है, और ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसको आप यूज कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन। अब ये मार्केटर्स, मार्केटर्स कौन होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। कौन होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट। थोड़ी सी हैंड राइटिंग में प्लीज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन लिखा जो है वो बोल भी नहीं था, लेकिन बोल सही भी हूँ। वो होते हैं हमारे मार्केटर्स, जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। कैसे, सबसे पहला होता है हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंस, उनको खुद को भी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। कैसे, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से करता है, और ये बताता है कि फर्म को भी बताता है कि इसका कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, कंट्रोल है प्रोडक्ट के। सेकंड होता है डिस्प्ले प्रोग्राम्स में बहुत हेल्प करता है, इजिली प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, आपस में उसकी अलग अलग ब्रांड्स डिस्प्ले होगा। सपोज आपने सबने सुना होगा ऑटो एक्सपो, गाड़ियों का ऑटो एक्सपो लगता है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कैसे डिफरेंशिएट, बेसिक कलर्स ऑफ गाड़ी सिल्वर व्हाइट एंड ब्लैक हर गाड़ी में होते हैं, रेड हो गया चलो ठीक है एक्स्ट्रा में सब में होते हैं। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दे आर ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएटेड ऑन द नेम ऑफ ब्रांड, अलग अलग ब्रांड से, जो ब्रांड के यहाँ पे गाड़ी की नेम प्लेट के यहाँ पे जो साइन लगा होता है वो हमें बताता है कि ये कौन सा ब्रांड, ये कौन सा। डिफरेंशियल प्राइसिंग, सबके प्राइसिंग अलग अलग, भले ही हम थोड़ा बहुत पैसों का अंतर होगा, एक रुपये दो, अगर हम गाड़ी की बात करें हजारों रुपये में, 10,000, 1,00,000 रुपये का अंतर होगा, लेकिन हर किसी का अपना अलग है। क्यों वो अलग इसलिए होता है, ताकि टू ब्रिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, उस सेम ऑनर के प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिशन लाने की कोशिश की। इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक ब्रांड के नीचे हम कभी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट न्यू प्रोडक्ट हमें कभी भी कोई भी उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अब जैसे हम बात करें एप्पल की, क्या एप्पल फोन है, हर साल हमें पता है एप्पल एक नई सीरीज लॉन्च करता है, आजकल 13 आईफोन आया हुआ है, सबको पता है ठीक है, गाली के दिनों में हमेशा आता ही है, सेप्टेम्बर में हमेशा, इट्स फॉर श्योर कि एप्पल सेप्टेम्बर में एक फोन लॉन्च करता ही। तो इस साल उसने क्या किया, 13 के उसने क्या कर दिया, सेगमेंट्स निकाल। क्या उस एप्पल 13 को प्रमोशन की नीड है, नो, नॉट इन दैट पर्टिकुलर, क्योंकि वो एप्पल वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे आ रहा है, तो हमें उसकी इंट्रोडक्शन की कोई खास जरूरत नहीं। अब कस्टमर्स को क्या देते हैं, सबसे पहले हम कस्टमर्स आइडेंटिफाई इजिली कर लेते, हमें पता लग जाता है, अगर हम ये वाला साइन देखेंगे हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, एप्पल। अगर हम वन प्लस का देखते हैं तो वन प्लस का साइन होता है, हमें पता लग जाता है कि वन प्लस, हम भी इजली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग द नेम। इंश्योर्स क्वालिटी, एक पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे आ रहा है, एक पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट होता है।
जैसे कि अभी मैंने आपको बात करी एप्पल की, अब एप्पल आ रहा है, ठीक है, एप्पल एप्पल वो अपने आप में इक्वालिटी को जनरेट करता है, हम वी कैन नॉट पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट रिगार्डिंग द क्वालिटी, हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक ब्रांड के नीचे आ रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे आ, प्रोडक्ट आ रहा है ब्रांड के नीचे, दैट ब्रांड इज रिनोड इन द मार्केट, बहुत अच्छे से सब जानते हैं, तो उसके लिए हमारा कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। स्टेटस सिंबल, ऑब्वियसली समवन इज होल्डिंग आईफोन 13, तो माय गॉड एंड दैट टू आल्सो आईफोन 13 प्रो, तो सबके लिए ओहो ही दैट पर्सन इज होल्डिंग आईफोन 13 प्रो, यार मतलब कि कितना अच्छा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तो हमें एक स्टेटस सिंबल की फॉर्म में भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रमोट करने में हेल्प कर। क्या क्या होती है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड, एक इजी लैंग्वेज के लिए सिंपल और इजी, ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि नाम होना चाहिए ऑडी, बीएमडब्ल्यू, एप्पल, वन प्लस, अगर जैसे नाम हो जाता है रॉल्स रॉय, ठीक है, अब कोई तो रॉल्स रॉयस बोलता है, कोई रॉल्स रॉय बोलता है, तो इस चीज से जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम हो जाता है ना, तो हमें उसको प्रोनाउंस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सजेस्टिव, हमारा नाम ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बताए, जैसे कि पापड़, लिज्जत पापड़, लिज्जत का मतलब हिंदी में होता है टेस्टी, तो ये अपने आप बता रहे कि पापड़ हमारा क्या है, टेस्टी है। डिस्टिंक्टिव, यूनिक होना चाहिए, सेपरेट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, जैसे कि एप्पल, क्या कभी किसी ने सोचा था एक फोन का नाम भी एप्पल हो सकता है, बट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। अडैप्टेबल, मार्केट में जल्दी से अडैप्ट कर लें। वर्सेटाइल, कि इसके अंडर हम कोई भी और नए प्रोडक्ट को ऐड करें तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लीगली प्रोटेक्टेड होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, टीएम होना चाहिए। स्टेइंग पावर, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में हमारा प्रोडक्ट टिका रहे, जैसे कि एप्पल है, वन प्लस, टिक ही गए हैं ये मार्केट में। अगर आज भी हमारे दिमाग में फोन्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तीन ऑप्शन आते हैं, एक होता है सैमसंग, एक होता है वन प्लस और एक होता है एप्पल, ठीक है। अब हर कोई अपने अपने बजट के हिसाब से तीनों में से कोई पसंद करे। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। अगर हमारा प्रोडक्ट कभी भी खुले में मिल रहा है तो क्या हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, नहीं। अब आप सारे बच्चे चिप्स के बहुत फैन है, कुरकुरे चिप्स, टकाटक, बहुत, आई नो ईच एंड एवरी वन इज अ वेरी वेरी गुड एंड बिग फैन ऑफ ऑल दीज। तो जब हम ये प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अगर कोई हमें ऐसे खुले में दे, क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे? नो, नेवर, कभी भी। यू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स इन द पैकेट। और कई बच्चे तो क्या करते हैं, उसको देखते हैं इफ द गैस इज देयर इन द प्रोडक्ट ना, तभी आप उस चिप्स के पैकेट को परचेज करो, अदरवाइज आप कभी भी नहीं लोगे। ये क्या होता है, ये पैकेजिंग होती है। साथ ही पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए सैनिटाइजेशन और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। हमारा हर प्रोडक्ट तीन लेवल पैकेजिंग में, सबसे पहली होती है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट कंटेनर। अगर हम बात करें इसकी कोलगेट, अब आप सुबह सुबह कोलगेट करते हो, यानी कि जब पेस्ट करते हो, तो पेस्ट करते हो तो आप एक ट्यूब को ही प्रेस करते हो अपने ब्रश के, वो जो ट्यूब होती है दैट इज नोन एज द इमीडिएट कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर कौन, वो जो ट्यूब होती है वो हमारी कहलाती है इमीडिएट कंटेनर। फिर आता है हमारी सेकेंडरी लेवल पैकेजिंग, जब हम उसको एक गत्ते के डिब्बे के अंदर पैक करते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोलगेट को खोलते हैं तो एक गत्ते के डिब्बे के अंदर होता है, हम उसमें से निकालते हैं, वो क्या होता है, वो होती है एडिशनल लेयर। सेकेंडरी पैकेजिंग को बोलते हैं एडिशनल लेयर, ताकि हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे, अंदर वाली चीज हमारी खराब ना हो। क्योंकि सपोज अगर हम बात करें कोई चूहा आ जाता है, तो चूहा अगर कुतरेगा, चूहा इफ अ रैट कम्स एंड ट्राई टू ईट द पेस्ट, तो वो क्या करेगा, ज्यादातर गत्ता ही खाएगा, अंदर की ट्यूब विल बी ऑल सिक्योर्ड, यानी कि जो हम तक प्रोडक्ट आ रहा है, जो हम सुबह सुबह यूज कर रहे हैं, दैट विल बी 100% सिक्योर टू यूज। थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को लेके जाने में। कहते हैं जब हमारे कार्टन्स बनते हैं, कार्टन मतलब कि आपने सुना होगा गत्ते के डिब्बे होते हैं, कार्डबोर्ड के पैकिंग होती हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे पैकेट्स को फिल करते हैं, ताकि इजीली वो हैंडल होके एक जगह से दूसरी जगह चले, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्गुलेटेड बॉक्सेस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कि कार्टून बॉक्सेस या गत्ते के डिब्बे, जिसमें हम बहुत सारा मटेरियल पैक कर देते हैं, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह हमारे प्रोडक्ट को लेके जाने में बहुत ईजी और सिंप्लीफाई कर। हमारी पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये हेल्प करती है हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स और सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करने। अब आप सबको पता है कि अगर लूज में कभी भी कोई चीज मिलेगी,
क्या पता उसमें कभी मिट्टी आ गई हो, आंधी बारिश तूफान, दैट ऑल थिंग्स आर नॉट इन टू आवर कंट्रोल. अगर मैं वही बात करूँ, चिप्स खुले में मिल रहे हैं, कोई अपने गंदे हाथों से दे रहा है, दैट गंदे हाथों का जर्म्स विल बी गोइंग इन साइड आवर फूड, ठीक है, तो हमारे लिए वो ठीक नहीं है. प्रॉपर पैकिंग हमारे लिए क्या प्रमोट करती है कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है, हम उसको ईजिली कंज्यूम कर सकते. सेल्फ सर्विस आउटलेट, जैसे कि आपने सुना होगा 24/7, ठीक है, और जैसे कि इजी डे, रिलायंस मेगा मार्ट या ये सारे जो स्टोर होते हैं वहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग पड़ी होती है, हम इजीली उसमें से जो सिलेक्ट करना चाहते हैं हम इजीली कर सकते हैं. इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आजकल आप सबको पता है दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो पूरा मार्केट में इन सब चीज़ों का लगा हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस लगे हुए हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं. प्लस आजकल आप देख रहे होगे कि पैक्ड फूड्स भी आने लगे हैं, हल्दीराम्स और ये सारे चीज़ें ना पैक्ड फूड्स भी बनाने लगे, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करते हो, ये एक पैकिंग के अंदर आते हैं, ठीक है. कोक हो गई, कोक के टिन आते हैं, टेट्रा पैक्स ऑफ फ्रूटी माजा इन सब के आते हैं, हम इन्हें कंज्यूम करते हैं. ये क्या होता है, इनको अंदर एक ऐसा टेम्परेचर की पैकिंग होती है कि अंदर का जो मटीरियल है वो हमारा सेफ है, वो इतने टाइम तक सेफ रहे जो ऊपर टाइम लिखा होता है, 4-5 दिन 10 दिन महीना तक हम उसको इजी कंज्यूम कर सकते. वो एक इस तरीके से उसकी पैकेजिंग करते जाते हैं. क्यों? क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है टू कुक ईच एंड एवरीथिंग एट होम, तो हम लोग, और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस एंड ये सब चीज़ें तो हम वैसे भी करते, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि हम मार्केट से लें और उसी लिमिटेड टाइम पीरियड तक कंज्यूम जरूर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर, इजीली हम उसकी पैकिंग के थ्रू ही पहचान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं. जो प्रोडक्ट बहुत सुंदर दिख रहा होता है हमारा हमेशा उसकी पैकिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने का मन कर. फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी, कैसे पैकेजिंग. अब आप सबने सुना होगा टाटा टी एक गोल्डन कलर में आती है, टाटा टी गोल्ड, एक ग्रीन में आती है टाटा टी प्रीमियम, एक रेड में आती है टाटा टी अग्नि. ये जो पैकिंग है ये ही बताती है कि हमारे ये सारे सारे अलग. प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देती है, प्रोडक्ट सेफ रहता है, हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होता धूल मिट्टी मॉइस्चर चूहे या किसी भी गंदे इंसेक्ट्स के थ्रू खराब नहीं. स्पेशली जो आजकल का दौर चल रहा है हमारा कोविड का, ठीक है, अगर सब कुछ खुले में मिले तो नहीं मिले, साथ ही लीकेज वगैरह से भी हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड है. अब आप बताओ जो टेट्रा पैक्स है ये जरा सा भी लीक कर गया तो इट मींस कि सब कुछ खराब हो गया. अ लीक प्रोडक्ट हम क्यों लें, इफ अ कंज्यूमर इज पेइंग आउट फॉर एनीथिंग तो वो गंदा प्रोडक्ट क्यों लेगा, वो हमेशा प्रेफर करेगा कि मैं बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट ही कंज्यूम. फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ प्रोडक्ट, एक पैकिंग हमें बताती है, जैसे कि हम बात करें इसकी, ये पैकिंग हमें बता रही है कि हमें प्रोडक्ट को इसको इस तरीके से ही ओपन कर, ये ऐसे ही ओपन होएगा, देन ओनली वी कैन कंज्यूम, ये पैकिंग बताती है, ठीक है, हमें इजी हो जाता है प्रोडक्ट को यूज करना. नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट प्रमोशन, अगर एक बहुत सुंदर आई कैचिंग पैकिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिवाली के दिन है, सब अपने अपने घरों में हैम्पर्स वगैरह खरीदते हैं, अब मार्केट जाएंगे, वी आर नेवर इन टू द पॉइंट के हैम्पर के अंदर क्या, हम क्या देखते हैं, हमने किसी को गिफ्ट करना है, हम उसकी बाहर की खूबसूरती देखते, जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा हम उसको प्रोडक्ट को उठाएंगे और खरीदेंगे. घर आके भले ही हमें रियलाइज है कि यार इसके अंदर क्या है, दैट इज नॉट एट ऑल, तो हमें हमेशा प्रोडक्ट इस चीज को प्रमोट करता है, एक आई कैचिंग पैकिंग हमेशा प्रोडक्ट को प्रमोट करता है. गिविंग यू वन मिनट, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन पैकिंग एंड ब्रांडिंग, थर्ड होता है हमारा लेबलिंग. लेबलिंग का मतलब होता है गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जरूरी, हमें हमेशा दैट इज जेन्युइनली जेन्युइनली भी अगर हम बात करें तो कभी भी हम कोई अगर प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ये बनती है कि हम सबसे पहले हम ऐसा प्रोडक्ट लें जो प्रोडक्ट लेते हुए हमें हमेशा उसकी पूरी की पूरी लेबल को पढ़ना जरूरी है. चलो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट हम उसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, एटलीस्ट हमारी हैबिट होनी चाहिए जनरल टर्म्स में भी कि इन तीन चीजों के ऊपर हमें फोकस करके रखना जरूरी. कुछ चीजें होती है जैसे कि हम बात करें इस कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, हमें पता है ये जो कोल्ड ड्रिंक है 20 रुपीज की मिलती है, वी आर वेरी वेल श्योर अबाउट इट,
तो हम अगर इसको ले भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमारा माइंड सेट है कि 20 रुपए की ही मिलती है। लेकिन वैसे हमारी जनरल टर्म्स पे हमेशा हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम हमेशा प्रोडक्ट परचेज करने से पहले हमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी। लेबल्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के लेबल्स होते हैं, एक होता है सिंपल लेबल, एक होता है डिस्क्रिप्टिव। सिंपल लेबल हमारा उन चीज़ों के ऊपर होता है जिन चीज़ों के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बोले तो जो चीज़ें एक्सपायर नहीं होती हैं, जैसे कि हमारी दालें, हमारे चावल। ये कहा जाता है घरों में जितने दाल चावल पुराने हो रहे हैं उतने ही उसका स्वाद अच्छा हो जाता है, वो और अच्छे हो जाते हैं। तो सिंपल लेवल पे हमारी सिर्फ दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें होती हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव लेवल मतलब कि डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। इसके ऊपर क्या क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो नाम, उसके बाद हमारे यहाँ पे लिखा होता है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, अ गुड साइन, एक रेड या ग्रीन कलर का साइन होता है। साथ ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यहाँ लिखा होता है इट कंटेन्स कैफीन। उसके बाद इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम, इट्स हिज और हर ओन चॉइस वेदर ही वांट्स टू कंज्यूम और नॉट। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी लिखी होती है, यहाँ उसका प्राइस भी लिखा हुआ है, और वो कह रहा है कि सी द नेक इफ यू वांट टू सी द एक्सपायरी। तो यहाँ पे उसकी कहीं पे एक्सपायरी ये भी लिखी हुई, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी हुई। प्लीज गाइस गो बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट, प्लीज गो एंड चेक इट वंस वेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, प्लीज वंस चेक इट। इसके अलावा यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि इसमें कितनी एनर्जी है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितनी कैलोरीज हैं, साथ ही इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, अगर इफ़ वी आर एलर्जिक टू एनीथिंग। ठीक है, हमें पढ़ लेना चाहिए इफ़ वी आर एलर्जिक, तो हमें इसको पढ़ लेना चाहिए, इफ़ वी आर एलर्जिक तो हमें उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना। मैनी पीपल स्पेशली एंड एक एज के बाद लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आइटम। टू गेट दिस रेड ऑफ, साइन प्रोवाइड किया जाता है रेड एंड ग्रीन। ग्रीन सेज इट्स वेजिटेरियन प्रोडक्ट एंड रेड कलर सेज इट्स अ नॉन वेजिटेरियन। आफ्टर दैट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू कंज्यूम इट और नॉट। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं FSSAI की, प्रोडक्ट हमारा सेफ एंड वी कैन यूज इट, इट्स अ चेक्ड प्रोडक्ट और इसको कंज्यूम करके हमें कोई भी हार्म नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे हमारा एक बैच नंबर भी प्रोवाइडेड होता है और मैन्युफैक्चर की डिटेल्स कहाँ पे प्रोडक्ट बन। इन केस अगर हमारे को साथ कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, वी कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले नाम, फिर होता है टैगलाइन, फिर होता है हमारा प्राइस, प्राइस होता है, उसके साथ साथ हमारी क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का साइन, FSSAI है FPO का साइन होना जरूरी। ये सारी हमारी डिटेल्स होती हैं जो हमारे एक पर्टिकुलर लेबल के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव लेबल के ऊपर मेंशन होती है। नेक्स्ट, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, हमारे प्रोडक्ट को पूरा बताता है क्या है क्या नहीं, और उसमें जो जो चीजें यूज होती हैं उसके सारे कंटेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, प्रोडक्ट और ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते। हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सबके अलग अलग करने में कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दी टाटा गोल्ड, टाटा प्रीमियम और टाटा अग्नि। अब इन सबके ऊपर जो लेबल्स होंगे अलग अलग होंगे। अब कहने को सारी चाहें लेकिन सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, लेबल को पढ़ कि टाटा टी अग्नि में क्या अलग है, टाटा टी प्रीमियम में क्या अलग है और टाटा टी गोल्ड में क्या अलग है, जो ये तीन तीन नई नई चीजों में आए हैं। इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प, हमेशा आप देखोगे इसके ऊपर, खैर इसके ऊपर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई स्कीम होती है बाय वन गेट वन फ्री या 10% एक्स्ट्रा, ये क्या करता है प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, लोग इन चीजों से भी अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट को जरूर परचेज कर लेते। इट ऑलवेज प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जैसे कि इसके ऊपर प्रॉपर प्रॉपर लिखा हुआ है, इफ एनीवन कैन सी इट कंटेन्स कैफीन, नहीं तो यार एक 20 रुपए की बॉटल खरीदो एंड गो अहेड एंड चेक द सेम। लिखा हुआ है इट कंटेन्स कैफीन इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इफ यू आर परचेजिंग इट, law is providing the complete information, again if you are purchasing it's up to you। साथ ही अगर हम सिगरेट के पैकेट्स की बात करें उसके ऊपर अच्छे से लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करने से आपको जान का खतरा हो सकता है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो इफ यू आर कंज्यूमिंग इट दैट्स अप टू यू। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन द प्रोडक्ट
please feel free to drop a message. I'll surely revert to you with the same. An Academy की app को install करने के लिए if you are an Android user you can go to Google Play or Play Store and if you are an Apple user you can easily go to App Store for downloading the app. वहाँ दो तरीके की subscriptions आएंगी, the first one is the Plus and the second one is the Alpha. पहले मैं आपको Plus के features. आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, आपके सारे subjects एक ही छत के नीचे cover up होंगे. You are in the hands of the top educators of India. तो आप जो पढ़ रहे हैं that is one of the best education you are getting here at An Academy. आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, कोई भी पॉइंट टॉपिक या चैप्टर आपका छूटेगा नहीं. प्रॉपर गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स विल बी गिवन टू यू इन पीडीएफ फॉर्मेट, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप जिस भी फॉर्म में देना चाहें दे सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होगी ताकि आपको बोर्ड के पैटर्न से फेमिलियर करवाए. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन यू हैव टू पे 1250 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप 24 मंथ्स की करते हैं तो यू हैव टू पे 1042 फॉर अ. अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करोगे इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा. सेकंड होती है आइकॉनिक. जो हमारे बच्चे ग्रुप में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो इजी वन ऑन वन मेंटर के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे. वीकली रिपोर्ट्स विल बी प्रोवाइडेड ताकि आपको पता चल सके हाउ मच इंप्रूवमेंट यू हैव मेड. आपके पेरेंट्स के साथ भी पूरे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आपके पेरेंट्स को भी आपकी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं. प्रॉपर प्लानर्स विल बी मेड ताकि आपको डायरेक्शन मिल सके आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है. अलॉन्ग विद दिस आपके यहाँ पे प्लस के भी सारे फीचर्स किए जाए. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू हैव टू पे 2333 फॉर अ मंथ. और अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं देन इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 2000 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करेंगे तो इसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा. अन अकेडमी में हमारा इमर्ज है जो कि हर हमारा सैटरडे संडे और मंडे को होता है कॉमर्स स्ट्रीम का, जहां पे आपको एक लाइव टेस्ट मिलता है. उसके लिए आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, साथ ही ये CBSE गाइडलाइंस के साथ किया जाएगा. यू कैन ऑल्सो गेट द सोल्यूशन बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. सैटरडे को होता है हमारा अकाउंट्स का, संडे को होता है हमारा बिजनेस का, मंडे को होता है हमारा इको का. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज, दिस टेस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, इस टेस्ट का टाइम होता है 5 to 6:30 PM. ये हमारा कल से ही शुरू है. एंड टू अनलॉक इट, बस अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है BREJA10. दिस टेस्ट इज अगेन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको सिर्फ और सिर्फ अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज करना. Bugs Bounty, a very special feature organized by an academy in which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below, form is provided. If you will be correct and you will be the first one to report for the same, you can claim your prize. An academy mein humare term 1 ko crack karne ke liye naye batches shuru hue hain for science, humanities and commerce, tino streams ke liye. Please go ahead if you want to score bestest marks in your board exams that are starting mid of November. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe the video. Whenever you purchase a subscription, either Plus or Iconic, don't forget to use my code that is BREJA10 to get the discount of 10%. Thank you so much for coming, liking, and enjoying the session. Please, please start studying. Take care of yourself. Don't go out because still pandemic is going on. Bye everyone. Take care of yourself. Thank you.